subscribe our channel and hit the bell icon to get the latest update of your world. निमकी मुखिया में भले ही बब्बू सुधर गया हो, लेकिन निमकी के इरादे बिल्कुल भी नेक नहीं लग रहे हैं। जहाँ निमकी को सब कुछ याद है कि किस तरह हवेली वालों ने उस पर अत्याचार किए थे और बब्बू ने उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की थी और कोर्ट में उसे ह्यूमिलेट भी किया था, उन एक एक लम्हों को वो याद करके मुस्कुरा रही होती हैं। जी हाँ, निमकी का अब तेवर बदलने वाला है। जहाँ निमकी बब्बू के जरिए हवेली वालों को बर्बाद करने वाली है। एक तरफ निमकी का ये चेहरा आएगा सामने, तो दूसरी तरफ सुधरा हुआ बब्बू अपने बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा कंसर्निंग हो जाएगा और प्रोटेक्टिव। जहाँ दिन रात उसे बस यही सपने आ रहे होंगे कि उसके आसपास बेबी की रोने की आवाज़ आ रही है और उन आवाज़ों से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा, लेकिन जब बेबी आएगा इस दुनिया में तब बब्बू के आँखों से खुशी के आंसू निकलेंगे, क्योंकि बब्बू ये दुनिया देख चुका है और अपनी माँ के सहारे वो सच जान भी चुका है, जिसके वजह से बब्बू सुधरा है। क्योंकि अनारों के इस बड़े खुलासे से ही बब्बू को असली जीवन के रंग को समझ में आया है। तो बब्बू इंसान है और बब्बू के जज्बात भी है और ये जज्बात अब धीरे धीरे सामने आएंगे, लेकिन निमकी जब इन जज्बातों के साथ खेलेगी तो क्या बब्बू पूरी तरह से टूट जाएगा? आगे की तमाम अपडेट जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल 24x7 ऑनलाइन न्यूज रूम की रिपोर्ट। सब्सक्राइब अवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट ऑफ योर वर्ल्ड।